हेलो गाइस, तो जो स्टूडेंट है वो अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो आज के स्टूडेंट में आपको जो है अपग्रेडेशन होता क्या है, अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है, अपग्रेडेशन जो है उसके बेनिफिट्स क्या है, किन किन स्टूडेंट को अपग्रेडेशन करवाना चाहिए, ठीक है, और जो फ्री एग्जिट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फ्री एग्जिट आप किस राउंड में कर सकते हो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, ठीक है, और अपग्रेडेशन ऑफ जो है फ्री एग्जिट दोनों में से कौन ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, किस स्टूडेंट को अपग्रेडेशन करना चाहिए, किस स्टूडेंट को फ्री एग्जिट करना चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में आपको कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने आज स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप ACCC की काउंसलिंग में कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे, और एक मिस्टेक की वजह से आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, ठीक, तो यह वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड मैं हूं डॉक्टर मोनू कुमार मीणा, BMS NIA जयपुर, एंड आप देख रहे हो बिंग डॉक्टर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, इस वीडियो में आपको जो है फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन को फुली एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको जो है पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया और एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो हो सकता है कि वही गलती आप कर दो और बाद में आप जो है पछताओ, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि इस वीडियो को पूरा देख लो 10 मिनट निकाल के, ठीक है ना, ताकि आप ACCC की काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं राउंड वन की। देखो, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनको कुछ नहीं करना, उनको राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है, बस यही करना है। जिनको सीट अलॉट हो जाती है बट वो चाहते हैं कि यार ये सीट मुझे नहीं चाहिए, मैं इस सीट से सेटिस्फाई नहीं हूं, इससे अच्छी कॉलेज मुझे चाहिए, या फिर वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके लिए जो है यहां पर दो ऑप्शन आ जाता है। ये तो एक तो वो यहां से फ्री एग्जिट कर सकता है, ठीक है। अब देखो फ्री एग्जिट क्या है, मतलब आपने जो है यहाँ पर दो तरीके से आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। एक तो ज्वाइन करने के बाद भी आप कर सकते हो, और बिना ज्वाइन भी, यानी कि अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे कॉलेज में जाके तो भी यहाँ पर आप जो है फ्री एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद में आप स्टेट काउंसलिंग और ACCC जो काउंसलिंग यानी कि राउंड टू, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। तो ये तो हो गया फ्री एग्जिट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आता है कि अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। अब देखो अपग्रेडेशन होता क्या है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में जो है 10 कॉलेज फिल किए और आपको 10 नंबर की कॉलेज मिल गई, आप चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो यार इससे अच्छी कॉलेज मुझे मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन कराना पड़ता है। अब अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो भी सीट मान लो जैसे यार 10 नंबर की कॉलेज आपको अलॉट होगी तो इस कॉलेज में आपको जाना है, और फीस वीस सब डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके, ठीक है, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तब वहाँ पर जो भी काउंसलर, जो भी नोडल ऑफिसर होता है वो आपसे पूछेगा कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए, तो आप बोल देना यस मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, तो एस बोलते आपका अपग्रेडेशन जो है वो हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन अभी नहीं हुआ, आपको क्या करना है, अब जो राउंड टू है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग में जो पहले आपने की है वही करनी है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है, आप नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो भी कॉलेज आपको राउंड टू में चाहिए वो जो है वहाँ पर फिल कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगी तो वो आपको मिल जाएगी, वरना राउंड वन की जो सीट है वो तो आपके पास सेफ रहेगी, ठीक है ना। और जो कॉलेज आपको मिली है क्या उसको फिल करना जो है वो ज़रूरी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो राउंड टू में उसको क्यों फिल कर रहे हो, आप नई चॉइस फिल करो। देखो राउंड टू में जो भी पार्टिसिपेट करेगा कैंडिडेट उसको प्रेस चॉइस फिल करनी ही, चाहे आपने फ्री एग्जिट किया हो, चाहे आपने अपग्रेडेशन करवाए, चाहे आप न्यू कैंडिडेट हो, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, आपको राउंड टू में फ्रेश चॉइस फिल करनी ही पड़ेगी, जो पहले वाली चॉइस फिलिंग है वो वहाँ पर नल हो जाती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन में से कौन ज़्यादा बेनिफिट है। देखो अगर आपके अच्छे मार्क्स है और आपको लगता है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग या राउंड टू में अच्छी कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके कम मार्क्स हैं और आपको लगता है कि मुझे रिक्स लेना नहीं चाहिए, मुझे एक सीट तो जो है मेरे पास रखनी है ताकि अगर मुझे राउंड टू में भी सीट अलॉट नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको अपग्रेडेशन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसने मान लो फ्री एग्जिट कर दिया और कट ऑफ अगर राउंड टू की ज़्यादा रही तो उसके पास
पास ना तो फर्स्ट राउंड की सीट रहेगी ना उसको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, मतलब वो दोनों सीट से हाथ धो बैठेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो, यानी कि आप अपग्रेडेशन कराओ, ठीक है। अगर राउंड टू में पॉसिबिलिटी होगी अच्छी कॉलेज मिलने की तो वो मिल जाएगी, वरना राउंड वन की जो कॉलेज है वो आपके पास सेफ रहेगी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को अपग्रेडेशन करना चाहिए और फ्री एग्जिट जिसके अच्छे मार्क्स है और आपको लगता है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग या राउंड टू में अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो रह गई राउंड वन में कि राउंड वन में आपको क्या करना है। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन जो है वो किस राउंड तक जो है अलाउड है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा और फ्री एग्जिट भी आप कौन कौन से राउंड में कर सकते हो वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं राउंड टू की कि राउंड टू में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। अब देखो राउंड टू की बात करते हैं, ठीक है। देखो राउंड टू में आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर भी अगर राउंड टू में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है और आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो राउंड टू में फ्री एग्जिट कर सकते हो, बट जो सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको अगर ज्वाइन नहीं करते हो उससे पहले आप फ्री एग्जिट कर सकते हो और आपकी सिक्योरिटी जो मनी है वो भी फॉरफिट नहीं होगी। बट आपने ज्वाइन कर लिया और फिर आपको जो है आपने प्लान बनाया कि मुझे तो स्टेट काउंसलिंग या फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मुझे राउंड टू की कॉलेज नहीं लेनी है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको मॉपअप राउंड के यानी कि स्टार्ट होने से तीन दिन पहले आपको उस सीट से रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज में जाकर रिज़ाइन देना पड़ेगा कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टेट काउंसलिंग या फिर जो है और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पर आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा और रिज़ाइन देने की वजह से आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पर फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं होगी और आप मॉपअप राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जो है वो पे करनी पड़ेगी, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो राउंड टू में अगर फ्री एग्जिट कर रहे हो तो ज्वाइन करने से पहले ही कर दो, ज्वाइन करने के बाद करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी और दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना राउंड टू में। दूसरी बात है क्या राउंड टू में जो है अपग्रेड करा सकते हो। देखो अगर आप चाहते हो कि मुझे राउंड टू में आपको कॉलेज अलॉट हो गई और आप रिस्क भी लेना नहीं चाहते हो तो आप अपग्रेड करा दो, ठीक है ना। अब अपग्रेड से क्या होगा, आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि अगर मॉपअप राउंड में अगर कट ऑफ कम जाती है तो यहाँ पर जो है कॉलेज आपकी अपग्रेड हो जाएगी, यानी कि आपको नई कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे नई कॉलेज मिल जाएगी उसमें जो पुरानी कॉलेज है वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने और नई कॉलेज में आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब कुछ वहाँ पर आपको करवाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपग्रेड करा सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में अगर यहाँ से फ्री एग्जिट करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी, बट आप फर्दर मॉपअप राउंड या स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, केवल यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी ही फॉरफिट होगी। तो ये भी आपके जो है राउंड टू का जो ये फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन का ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राउंड टू में भी आप अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको राउंड टू के भी समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि मॉपअप राउंड में जो है फ्री एग्जिट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। देखो जो सबसे खतरनाक जो राउंड है ना वो है मॉपअप राउंड, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना वो मॉपअप राउंड में ही करते हैं अधिकतर, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, तो इस मॉपअप राउंड को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि सीट अलॉट होने के बाद यहाँ पर आप जो है किसी भी कंडीशन में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, ज्वाइन करने के बाद भी नहीं, ज्वाइन करने से पहले भी नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है और आप उस कॉलेज में रिपोर्ट या वहाँ ज्वाइन नहीं करते हो तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी जो है फॉरफिट हो जाएगी और आप फर्दर ना तो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे ना ही आप ACCC काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये बात ध्यान रखना, मॉपअप राउंड में अगर सीट अलॉट होती है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी और आप फर्दर स्टेट काउंसलिंग और ACCC, यानी कि आप पूरी तरह से आइस काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड इसमें अपग्रेडेशन करवाया है, ठीक है, और उनको मॉपअप राउंड यानी कि मॉपअप राउंड या फिर वही कॉलेज रही है और उस कॉलेज को अगर वो नहीं लेंगे तो वहाँ पर वही मॉपअप राउंड के रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर आप जो है राउंड टू की जो कॉलेज है आपने मॉपअप राउंड में जो है वो अपग्रेडेशन करवाया मॉपअप राउंड की, मुझे हो सकता है कि राउंड टू में उसने अपग्रेडेशन का जो है वो
मतलब उसने बोल दिया कि अपग्रेशन करवाना है, और मोपल राउंड में अगर उसको अपग्रेशन नहीं हुई और वही कॉलेज मिल गया, वो चाहता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, अगर उसको दोबारा से जो उसको ज्वाइन नहीं करेगा उस कॉलेज को वहाँ पर वो एग्जिट हो जाएगा, तो उस पर भी जो है मोपल राउंड के रूल जो है वो लागू होंगे, और वो भी जो है फॉर द स्टेट काउंसलिंग और ACCC के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, मोपल राउंड जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है। तो इस राउंड के रूल और रेगुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मोपो राउंड में आपको सीट अलॉट होती है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, अगर छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी, स्टेट काउंसलिंग या ACCC सबसे हाथ दो बैठोगे, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। देखो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो है कोई नई से चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं होने वाली है, ठीक है, ना वहाँ पर कोई प्रेस रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है, ना ही कोई प्रेस चॉइस फिलिंग होने वाली है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो आपने मॉप राउंड तक किया है ना, सब कुछ वही कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे जिनको राउंड वन, राउंड टू और मॉप राउंड, किसी भी राउंड में उनको जो है सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इन राउंड में, किसी भी राउंड में अगर एक भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है तो फिर आप इस वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। आपको अपग्रेशन करना है, कम नंबर है तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपग्रेशन करा, और अगर ज़्यादा नंबर है, अच्छे मार्क्स है, आपको लगता है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग या ACCC के सेकंड राउंड या मोपो राउंड में अच्छी कॉलेज मिल सकती है तो आप प्री एग्जिट कर सकता है, ठीक है। अगर कम मार्क्स है, रिस्क नहीं लेना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपग्रेशन कराओ। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि राउंड वन और राउंड टू दोनों में आप अपग्रेड करा सकते हो, यानी कि राउंड वन से राउंड टू में भी अपग्रेड करा सकते हो, राउंड टू से मोपो राउंड में भी, मतलब तीन राउंड तक तो आप अपग्रेड करा सकते हो, इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो अपग्रेशन जिनके कम नंबर है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बाकी फ्री एग्जिट आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि कम मार्क्स वाले अपग्रेशन ही कराए, फ्री एग्जिट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, नहीं तो वरना हाथ धो बैठोगे सारे सीट से, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको अपग्रेशन और फ्री एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना, आप कमेंट का रिप्लाई आएगा। और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके लिए जो नीचे वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाके आप एक बार देख लेना रिपोर्टिंग से पहले, ठीक है ना। और बाकी ऐसे ही ACCC काउंसलिंग या आयुर्वेद से रिलेटेड आपको वीडियोस और अपडेट चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें, या फिर आपको जो है नीट से रिलेटेड या VCI यानी कि वेटनरी से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब पे इस नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर भी हमारा डायरेक्ट चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो नीट एंड वेटनरी के अपडेट के लिए, ठीक है। बाकी आईस काउंसलिंग के सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।